Hello everyone, guys. This is Jay Prakash, Principal HR Trainer from I for Best HR Training Institute, and today I am going to give you the special announcement. As usual, we all have a routine habit to share the success story to all of you, and this is all about our special announcement today also. So good news, हम रौनक विश्वास की तरफ से बहुत सारे candidates interview के लिए गए हुए थे, बहुत सारे company में, जिसमें एक बहुत ही अच्छी reputed organization में जो कि US based IT company है, जहाँ पे हमारे बहुत ही एक sincere and dedicated candidate जो कि रौनक विश्वास हैं, जो हमारे बगल में अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो सर इन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया. बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, इसमें से इनको वहाँ पे सेलेक्शन फाइनली हुआ और एज अ एच आर एग्जीक्यूटिव वहाँ पे ज्वाइन किया. ऑलरेडी 17 से इनको बोला गया ज्वाइन करने के लिए, आई थिंक 17 से, और आज 15th है, दो दिन बाद ये वहाँ पे ज्वाइन करेंगे. तो सर रियली ये सुपर्ब न्यूज़ है. कहूँगा रौनक, जो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे टीम के साथ, हमारे ऑडियंस के साथ. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी कैरियर के उधेड़बुन में हैं, कहीं पे चाह रहे हैं जो जॉब लगे. जैसे आप 4-5 महीने काफ़ी ज़्यादा उधेड़बुन में रहे, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं जो कि अच्छा जॉब मिले, इंटरव्यू में जाऊँ, अच्छी सक्सेस मिले, और आप लोगों की बातों से उसको इंस्पिरेशन मिलेगा जो हाँ, अगर रौनक विश्वास आज सक्सेसफुल हुए हैं तो मैं भी हो सकता हूँ. तो आप अपनी पूरी स्टोरी शेयर कीजिए. आप यहाँ पे आए थे, मुझे याद है सिंगल, आप दोपहर को शायद पहली मीटिंग थी हमारी, और आप बहुत ही उस वक्त में ऑफिस छोड़ के फिर यहाँ पे आए थे और फिर बातें किए थे. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था आपका, सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जॉब के लिए भी और सारी चीज़ें, और आज वो सब कुछ सच हो रहा है और आज आप यहाँ से आई फॉर बेस्ट के हेल्प से आपको एक जॉब मिली है और आप वहाँ पे जाके ज्वाइन भी करने जा रहे हैं. तो पूरी मेमोरी आप शेयर कीजिए, मैं भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा आपके साथ. तो आप एक अच्छे से मेमोरी शेयर कीजिए और अपनी स्टोरी हमारे सारे ऑडियंस को, हमारे सारे ट्रेनीज को, सबको, और आई फॉर बेस्ट की फैमिली है उस सबके साथ शेयर कीजिए. सो रौनक, तो मैंने आई फॉर बेस्ट का जो गूगल में सर्च मिला था मुझे बेस्ट एच आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई फॉर बेस्ट, तो मैंने सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर में यहाँ पर आया था. तो आई थिंक आई हैव मेट रिंकू मैम ओवर हियर, एंड देन आई हैव टोल्ड हर कि राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट ऑफ ड्यू टू दिस पूजा थिंग एंड ऑल. सो आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड माय ट्रेनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर एंड इट कंटिन्यूड टिल जून. सो इट वॉज लाइक समटाइम्स आई वॉजेंट एबल टू अटेंड द क्लास, सो आई आस्क्ड सर फॉर हेल्प because I know that during the month of December I was having some health issues, and then till June I have completed the course. There have been some doubts which sir has cleared and everything, and whenever I found any difficulty, especially during these payroll classes, then sir told me everything about and also cleared every doubts of mine. Then in between I have given few interviews where I could understood my situation, like how to improve my skills and in which domain I can improve, what is my strength and weakness. तो इस सारी चीज़ को लेकर मैं सर से बात किया था. उसके बाद सर ने भी मुझे गाइडेंस दिया था, इनपुट्स दिया था इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. तो उसके बाद मैंने तैयारी भी की, खुद का ट्रेनिंग कैसे इंटरव्यू में बोलना होगा, किस तरीके से बोलना होगा और किस तरीके से नहीं बोलना होगा, वो बहुत सारे चीज़ मैंने सीखा. और उसके बाद मैंने एडवोकेट इंटेलिजेंस में जब इंटरव्यू दिया था तो मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझ पर नहीं था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट राउंड इंटरव्यू वाज एन असेसमेंट, तो वहाँ पे वर्बली कुछ नहीं करना पड़ा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से वो असेसमेंट दिया. उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, तो शॉर्टलिस्टमेंट के बाद मेरा फाइनल राउंड का इंटरव्यू हुआ. तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें जो सर पढ़ाए थे वो ही उन्होंने पूछे थे मुझसे, और उसके बाद मैं सिलेक्टेड हो गया. आई फॉर बेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एच आर ट्रेनिंग, और यहाँ पे आपको सब तरीके के हेल्प मिलेंगे, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, सब कुछ. आपको सिर्फ आपको बहुत ध्यान पे रहना है कि आपको पढ़ाई भी करना है अच्छे से, और आपको क्वेश्चन पूछना है. ऐसे नहीं कि आपको कोई डाउट हो रहा है आप नहीं पूछ रहे हो. अगर आप नहीं क्वेश्चन करोगे तो आप कभी कुछ भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आप छोटा नहीं हो जाओगे कभी भी, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. आपको अपने लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा, अपने खुद के आउटग्रो करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. ग्रेट ग्रेट. तो सो गाइज, दिस इज़ द वे वी हियर यू नो फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ आवर स्टूडेंट्स. सी
रौनक जब यहाँ पे आए थे तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन और सपना लेके आए थे, और आज इनका सपना यहाँ पे पूरा हुआ है और ये ड्रीम अपना फुलफिल किए हैं। तो सच टाइप ऑफ यू नो सक्सेस स्टोरी डे टू डे वी आर क्रिएटिंग हियर, एंड इफ़ यू ऑल ऑल्सो वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी, तो देन ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट इंटरेक्ट विथ आवर टीम मेम्बर्स, you have to discuss with our you know all associates about your dream, about your desire, about your you know career goal, and if your career is anywhere linked with the HR, then certainly I'm going to help you.